हेलो ब्यूटीफुल पीपल, इट्स मी साई झारानी। वेलकम टू डेज व्लॉग वीडियो। तो फिर से हम लोग गीतों की वीडियो शूट करने आ गए हैं। तो तू गया पीछे बात करने के लिए, तो मैंने सोचा सिंधी दिमाग लगा के थोड़ा सा व्यूज अच्छे आ रहे हैं इस वीडियोस पे, तो मैं भी क्यों ना शूट कर लूँ BTS और मैं भी खा लूँगा इसी बहाने। तो जी तू बात करने गया और मैं दिखा रहा हूँ कि छोटा सा स्टॉल टाइप है और चाइनीज़ बेचते हैं, पर इनकी चाइनीज़ में ना थोड़ा सा यूनिकनेस रहता है बोलते हैं। तो जी तू बात करने गया वहाँ पे, शायद से अपने बारे में बताया कि मेरे को वीडियो शूट करना है नॉल, और जगह का नाम है गायत्री चाइनीज सेंटर करके है। मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ इसे, तो देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है। जीतू बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, जीतू को शूट नहीं करना हो रहा। तो कर कर कर, देखो कितनी सारी भीड़ है। और इतना सा स्टॉल है और देख रहे हो वहाँ पे लिखा है 25 रुपीज़ में कॉम्बो नूडल्स प्लस मंचूरियन दोनों साथ में। साथ में तो पता है कि आज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, पता है, क्योंकि है ना तुम्हारे को स्किप करके ना जो मेन पार्ट है ब्लॉग का या तो जो टॉपिक है ब्लॉग का वहाँ पे जाके तुम उतना पोर्शन नहीं देखोगे। आज स्टार्टिंग से देखोगे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही चालू करती हूँ। मैंने सोचा था कि ये वाला वीडियो है ना अपन स्टार्टिंग से चालू कर देंगे, मेरे को बोला नहीं, मेरे को ऑल ऑफ सडन इसने बोला कि चल मेरे साथ। अरे बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे बीच में क्यों आते हो? बस जब तक मैं नहीं आऊँगा तो तुम क्यों नहीं चलेगी? जाओ जाओ, खुद की तो चला नहीं पा रहे और मेरे को बोलते हैं और नूडल से भी खत्म हो गई तो जीतू वेट कर रहा है, तो ऐसे खड़ा है भैया भीड़ में खड़ा है, मेरे को पसंद नहीं है। मैं आपके आके साइड में जाके बैठ जाऊँ और अपना कंटेंट बरोबर शूट करने वाले हैं अपन, टेंशन नहीं लेने का उसका, अपन सब दिखाएंगे तुम्हारे को बिहाइंड द सीन। जीतू ने अभी जस्ट बात किया उनसे, तो उनने बोला अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अभी तो मैं तुम्हारा कुछ बता नहीं पाऊंगा, जो कि सही बात है। उनने बोला है कि शाम में 5 बजे आओ यहाँ, तो फिर 9:30 के बाद आओ, पर अभी 7:30 बज रहे तो 9:30 तक रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कल आएंगे वापस शूट करने और ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा कल, देखा जाए तो ड्रेस चेंज हो जाएगी ठीक है। और पता है हम जब है ना ऐसे रोड पर बैठ के या मेन बाज़ार में बैठ के आप शूट करते हैं, जो ब्लॉगर्स लोग रहते हैं तो उनको पता है लोग कैसे समझते हैं, जिसको समझ रहती है वो तो समझ जाता हूँ यार ये तो वीडियो शूट कर रहा है, या तो उसके सब्सक्राइबर अच्छे होंगे या तो कुछ पहचान वाला ही होगा ऐसा कुछ। और जिसको समझ नहीं रहती ना लाइक यूट्यूब की एंड ऑल की ब्लॉगिंग की समझ नहीं रहती ना, उसको लगता है यार ये तो पागल है, ये तो कैमरा से बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है ऐसा वैसा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बार बार देखते जा रहे हैं, पता है मैं तुम्हारे को नीचे फ्रेम में दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि लोग मेरे को देख रहे हैं और मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, पर चलता है ये, अभी मैं सीखूँगा तो कब सीखूँगा है कि नहीं। जीतू यार लेके आ, जब भूख लग रही है उसने, जब तुम मालूम खाना खाया उसके बाद भी अभी आया है, तो मालूम है फिर ऐसे पेट में दर्द देना चालू हो जाएगा ना, तो मम्मी ने इसको ऐसे डंडे मारेगी ना, बंद करा देगी इसको स्कूल ब्लॉग, मैं बता रहा हूँ। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैंने एडिट कर दिया वीडियो ठीक है, अपलोड तो कर नहीं सकते क्योंकि वाईफाई का फिर से पंगा हो गया है, पर जीतू को वीडियो शूट करने जाना है तो उनने हमारे को 5:30 पे बुलाया था, 5:30 तो बज चुके हैं तो जाते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी वैसे, अभी तो मिस हो गया था यार, तो मैं बोला से मुँह धो के नीचे जाता हूँ और ठीक है ना यार, मेरे को भी कंटेंट मिल जाएगा तो करना पड़ेगा। जीतू को है ना भैया ने बोला एक बार जाके मंदिर के दर्शन करके आ जाओ, तो अभी मंदिर तो बंद लगा पड़ा है, पर जीतू ने शूट कर लिया। चला भाई गाड़ी चला, अच्छा इंटीरियर चालू है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। तो भैया के पास है ना भीड़ बढ़ते जा रही, तो जीतू को बोल रहे भाई जल्दी आ जा, जल्दी चल देख के चल, देख के चल बस, देख के चल बस, जल्दी चल शूट करना चालू कर दे फिलहाल। मतलब ऐसा सीन है तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्वान्टिटी में यहाँ पर वो भी ऐसा आइटम मिलता है और अगर वो प्लेट किसी को पसंद नहीं आती है तो सिर्फ बोल के जाना कि ये मजा नहीं है, गवर्नमेंट 14 साल में डबल करती है, अपन 14 मिनट में डबल करके देंगे, 25 से 50 अपने का काम करें ना अपन, सही बात है, उसके बगैर कोई काम नहीं होता ना, जैसे गणेश जी की पूजा पहले होती है और अपना सेवादारी बहुत है, हमारे बड़े भाई साहब है उन्हीं का मंदिर है, भाई है क्या बात है अंकल, टाइम अंकल थैंक यू, सेवादारी चाहिए भाई और उसके बगैर तो काम ही नहीं होता भाई। ओके
ऐसा है मैं नूत देखूंगा। देखो बोला कनाडा से वीडियो आया, मेरे कॉल आया, मेरे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली तो आनी थे माई थे दिल्ली बम्बई के फोन से, पेरिस उसने इटली की पेरिस उसने लाइव दिया मेरे को। क्या बात है, क्या बात है। अभी देखो मेरा भाई आया, ये है सलमान, ये मेरा भाई सोयाबीन वड़ी का बहुत दीवाना है। दो राउंड हो गया उसके, नहीं अभी देखो अभी आप आए हैं, रिलैक्स होके आप काम करोगे, आपका अच्छा काम होगा, सही बात है, और आगे आपका फॉरवर्ड भी अच्छा हो भगवान, ऐसा अपना उद्देश्य ही हुए भाई किसी का भी। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये बताता हूँ, सीक्रेट कोई भी नहीं है, ये बनाओ ताकि आप भी करेंगे या आप लगाओगे भी दुकानदारी, तो भी आपको भी रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। तो छुपा के क्या करना है भाई, अपने को कितने महीने हो गए इसको काम। देखो टीचर अपने को सिखाता तो उसने भी किसी से सीखा होगा, सही बात है, इसलिए इंसान ने कभी ये दिमाग में रखने की ये कला मैं अपने को छुपा कर, जितनी आप कला एक्सपोज करोगे ना उतना ज़्यादा आपका काम, आपको तसल्ली होगी कि नहीं ये चीज़ मेरी बनी है। और कितने महीने हो गए काम, 20 साल हो गए भाई, हमारे बड़े भाई साहब का कॉन्सेप्ट था, उनकी डेथ हो गई है, जब 5 रुपए से चालू करे थे आज 25 रुपए प्लेट है भाई। चटनी डाला क्या मैंने सीखा, अभी देखो ये मैंने गिना नहीं, ये बाउल भरा मेरा, ठीक है, कोई ये मेजरमेंट नहीं है, ये वेजिटेबल डाला मैंने, इसमें देखो पर्पल पत्ता गोभी भी आएगा, ब्रोकली भी आता है, लेट्यूस भी आता है, पर अभी है नहीं अवेलेबल, और ये आका नूडल, ठीक है, ये चाट मसाला और ये क्रंची मसाला, और इस पर अगर ग्रेवी लगे कस्टमर को तो ग्रेवी डालते हैं, कस्टमर वेटिंग पे ही हो बड़ी खाने के लिए, सब लोग ग्रेवी मांग रहे तो भैया ग्रेवी दे रहे सबको। हेलो नहीं ना, हेलो देखो अभी यहाँ पे तवा नूडल्स बन रही है, जो कि पूरे नागपुर में, महाराष्ट्र में और मैं भी इंडिया में सिर्फ एक ही जने बनाते हैं, वो भी अंकल। इसको 15 मिनट लगते हैं भाई साहब। अभी स्प्रिंग ऑनियन है, लोग सीजन में डालते हैं क्योंकि सीजन में सस्ता है, 20 रुपए किलो, जब 200 रुपए किलो रहेंगे तब नहीं डालते, जीतू बेटे टाइम बढ़ते जाएगा ना, लोग बढ़ते जाएंगे, तेरे को टाइम नहीं मिलेगा अभी शूट करने के लिए, देखना मैं बता रहा हूँ। भाई साहब कितने सारे लोग आ गए देख रहे अंकल, वाले में लगातार बनाते रहते, रुकते नहीं है एक सेकंड में, मैंने देखा ही नहीं रुकते हुए, देखो कितनी भीड़ आ गई अंकल के पास। भाई साहब मजे आ गए, भैया ने पता है पैसे नहीं लिए जीतू से, तो भैया ने बोले कि मैं ब्लॉगर लोगों से जो भी आते मेरे पास तो फिर उनका प्यार चाहिए मेरे को, फिर एक चाय पिला दो एक बात कर लो, तो जीतू भी चाय लेने गया भैया के लिए, और बोलते हैं स्पेशल चाय मिलती है यहाँ पे, क्या हुआ नहीं मेरा चेंज नहीं है भैया, पेटीएम नहीं है क्या अंकल के पास जाके मैं पेटीएम करा गया, जाओ जाओ पहले ख़त्म ही नहीं हो रहा था ना भाई, जो न्यूट्रीला दिए लास्ट में वो तो इतने सारे कि जो वीडियो बना रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट है। हाँ वो तो है, उनने एक रुपया भी नहीं लिया, मैंने उनको 3-4 बार ट्राई किया है, मैंने देखा सिर्फ कैमरा एक बार सामने एक बार ट्राई किया, बाकी कैमरा के पीछे मैंने बहुत बार ट्राई किया कि पैसे ले लो, बट ही सेड नहीं आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप लोगों की वजह से यहाँ पे हूँ, एंड मतलब आप लोग भी आ सकते गड्डी गोदाम में, और नंबर तो मैं सब सब कुछ है, नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो भैया ने सिर्फ बोले एक स्पेशल चाय पिला दे मेरे को, हाँ बस स्पेशल चाय पिला दो अंकल की तरफ से, अंकल के यहाँ से, तो वही लेने आ गए। और जीतू तू यार चिल्लर लेके तो घुमा कर, अंकल से जाके पैसे लिया इसने, पेटीएम किया अंकल, हाँ अंकल को पेटीएम किया मेरे को मालूम है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर यहाँ तक की वीडियो देख लिया है और पसंद आया तो प्लीज लाइक डिसलाइक कर रहे, सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा और कुछ, और इंडियन ब्लॉगर जीतू और जीतू 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ साहिल चांद के इसको मारना जरूर, और कुछ बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, प्लीज आओ बाय। जीतू देख अभी खड़े रहने की जगह नहीं है बेटे, देखो 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 अभी खड़े रहने की जगह नहीं है यहाँ पे।
देखते हो तो यहाँ पर अंकल का चल रहा है और यहाँ पे इसका चल रहा है। अंकल मेरे भाई मस्ती नहीं, सच में नहीं, सही बोल रहा, पैसे का कोई इशू नहीं है, जो भी है आप मेरे को बढ़िया दिल से चाय पिला दो, सामने रेस्टोरेंट है चला लो, ओके पैसे का कोई विषय नहीं। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। तो अंकल यहाँ पैसे नहीं दिए हमारे, बस भाई बिल्कुल।